हाय गाइस, तो ये मेरे पास काफ़ी सारे ख़राब हो चुकी लैपटॉप बैटरियाँ हैं और फ्रेंड्स आप भी मेरी तरह इसमें से लिथियम आयन बैटरी पाने के लिए ज़रूर से इसे खोला ही होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें काफ़ी सारे 18650 नंबर वाली बैटरी मिल जाती हैं, तो इसमें जो है 4 सेल लगा हुआ है। तो इसमें से कई सेल जो होगा सही होगा और कई जो है ख़राब होगा। तो जो भी सेल आपको ख़राब मिले उसे आप इकट्ठा कर रख सकते हो, क्योंकि उसे हम बहुत ही ईजी तरीके से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप इस टाइप के लिथियम आयन बैटरी ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल जाएगा, इसलिए हम तो लिथियम आयन बैटरी जो है लैपटॉप बैटरी से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ख़राब बैटरी है इसका वोल्टेज आप देख सकते हो मल्टीमीटर में बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है, तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। एकदम 0 वोल्ट भी शो करेगा, वो भी आप रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस बैटरी से ही शुरुआत करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए हमें इसके ऊपर वाले कवर को थोड़ा कट करके बाहर निकालना होगा। यहाँ से यह 2 पोर्शन में बटा होता है, एक जो है नेगेटिव वाला होता है और बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है। तो दोस्तों एक नोज प्लायर लेंगे और इसके बैटरी के किनारे को थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ते जाएंगे। यहाँ पर सील लगा होता है, इसे थोड़ा सा हमें मोड़ करके खोलना होगा। तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा ताकि बैटरी जो है डैमेज ना हो और आप इसे बाद में वापस पैक कर सको। तो इस टाइप से आप पतले वाले प्लायर की मदद से इसे खोल लेना और यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको ये खोल करके दिखा रहा हूँ। इसे मैंने चारों ओर से थोड़ा थोड़ा ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें एक प्लायर की मदद से इसे खींच करके बाहर निकाल देना है। तो ये देख सकते हो प्लास्टिक की पूरी एक केसिंग है और बीच में इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और बीच का जो वायर देख रहे हो इसे आपको ध्यान से देख लेना है, वो कहीं टूटा ना हो। अगर टूटा होगा तो वोल्टेज नहीं शो होगा और वही कारण है इस बैटरी का टेस्ट होने का। तो यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो दोस्तों, वोल्टेज बाहर की ओर दिखा रहा है 0.07, लेकिन अंदर की ओर हम जब इसे टेस्ट कर रहे हैं तो देख सकते हो वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट से ज़्यादा शो हो रहा है। तो यही कारण है दोस्तों, जो ऊपर का ये टर्मिनल होता है इससे जो अंदर वाला वायर है वो टच नहीं होता है, इसीलिए वोल्टेज जो है शो नहीं होता है, 0 वोल्ट शो होता है। तो यहाँ पर हम एक प्लायर की मदद से इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि अंदर का पॉजिटिव वायर और बाहर का जो टर्मिनल है आपस में टच हो सके और वोल्टेज जो है फिर से दिखा सके। तो यहाँ पास मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है और अब देखते हैं वोल्टेज सेम आता है कि नहीं। तो देख सकते हो बाहर का वोल्टेज जो है 2.30 के करीब है और अंदर का भी वोल्टेज देख सकते हो 2.30 के करीब है। तो दोस्तों ये बैटरी जो है अब चलने के लायक बन चुका है। तो इससे पहले दोस्तों आप एक बार देख लेना जो ये पॉजिटिव वाला वायर है ये अच्छे से टच हुआ है कि नहीं। अगर ये वायर टूटा होता है तो आप इसे वापस सोल्डिंग कर देना या फिर वायर की मदद से भी आप उसे जोड़ सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों मैं इसे वापस अंदर की ओर लगा दिया है। अब इसे हमें वापस एयर टाइट करना होगा, तो इसके लिए मैं प्लायर की मदद से इसके किनारे को अच्छे से ठोक करके और दबा करके अच्छे से पैक कर देता हूँ ताकि ये जो है वापस सील हो सके और इसमें से जो गैस निकलता है वो बाहर ना निकले। और दोस्तों ये जो बाहर का जो रिंग था इसे वापस लगा देंगे, इसकी मदद से ये बैटरी जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा जब हम इसमें वायरिंग करेंगे तब। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेप की मदद से इसे चिपका देता हूँ ताकि ये बाद में निकले ना। तो फ्रेंड चलिए एक बार फिर से हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज देख सकते हो 2.3534 इस टाइप से रीडिंग आ रहा है। तो अभी ये बैटरी जो है फुल चार्ज नहीं है, इसे हमें चार्ज करना होगा। इस बैटरी का जो पीक वोल्टेज होता है वो होता है 4.2 वोल्ट। तो इसे चार्ज करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ TP4056 जो चार्जिंग मॉड्यूल आता है इससे मैं चार्ज कर रहा हूँ। इससे काफ़ी अच्छे से और प्रोटेक्शन के साथ ये बैटरी जो है चार्ज होगा। तो बैटरी जब तक चार्ज होता है हम एक और बैटरी जो है रिपेयर कर लेते हैं। तो इसका भी वोल्टेज आप देख सकते हो 0.03 में ही अटका हुआ है, यानी अभी इसका वोल्टेज 0 है। तो चलिए फ्रेंड्स इस बैटरी को भी खोल कर रिपेयर करते हैं। और यहाँ पास मैंने ऊपर के कवर को कट करके बाहर निकाल लिया है। अब नोज प्लायर की मदद से इसे थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद एक बार मल्टीमीटर से ज़रूर से चेक करना, कई बार इस बैटरी के अंदर गैस बन जाता है और गैस के कारण इसमें वोल्टेज शो नहीं होता है। तो गैस के निकलने के बाद ये बैटरी कई बार सही भी हो जाता है, लेकिन इस बैटरी में ऐसा नहीं हुआ, हमें इसे पूरा खोलना पड़ा। तो यहाँ पर हम प्लायर की मदद से खोल लेंगे पूरा किनारे को। अभी से इसे इसे प्लायर की मदद से बाहर खींचोगे तो इसका जो बीच का टर्मिनल होता है वो बाहर निकल जाएगा। और एक बार ध्यान से देख लेना इसका जो वायर है वो टूटा तो नहीं, अगर टूटा रहेगा तो वापस उसे आप जोड़ देना सोल्डिंग आयरन की मदद से। और वोल्टेज देख सकते हो पहले की तरह इसमें भी अलग अलग वोल्टेज शो हो रहा है। तो
तो इसलिए मैं इसे प्लायर की मदद से थोड़ा सा दबा देता हूँ ताकि ये अंदर वाला वायर और बाहर का जो टर्मिनल है आपस में कनेक्ट हो सके। तो इसमें आपको थोड़ा सील करना है, तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा सुलेशन या जो फेवी बॉन्ड आता है उसे लगाकर इसे अच्छे से एयर टाइट बना देना है। तो यहाँ बस प्लायर की मदद से इसे ठोक देंगे ताकि ये अच्छे से सेपरेट हो सके। और ध्यान रखिए ठोकते समय जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है वो शॉर्ट ना हो, नहीं तो वापस से बैटरी ख़राब भी हो सकता है। और जो हमें इसमें से रिंग निकाले थे उसे भी यहाँ पास लगा देना है और टेप की मदद से इसे अच्छे से चिपका देना है। और फ्रेंड्स हमने इसे पहले भी चेक करके आपको दिखाया, इसमें वोल्टेज 4.7 के करीब है, तो ये बैटरी जो है फुल चार्ज है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एलईडी को काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। और लिथियम आयन बैटरी जो है आपको पता ही होगा काफ़ी अच्छा खासा बैकअप दे देता है, ये जो है 2800 mAh का है। तो चलिए फ्रेंड दूसरे बैटरी को भी देख लेते हैं ये चार्ज हुआ कि नहीं। तो ये अभी फुल चार्ज नहीं हुआ है, फुल चार्ज होने के लिए इसे 2 से 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन अभी भी ये चार्ज हो चुका होगा 3.7 वोल्ट तक। तो ये इतना वोल्ट काफ़ी है इस एलईडी लाइट को जलाने के लिए। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है, इससे आप मोटर वगैरह भी बड़ी आसानी से चला सकते हो। यहाँ पर मैं 555 मोटर आपको चला करके दिखा रहा हूँ। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके दोस्तों आप लिथियम आयन बैटरी को रिपेयर कर सकते हो। और अगली बार जब भी लिथियम आयन बैटरी आप लैपटॉप से निकालो तो उसमें से जो भी ख़राब सेल निकले उसे फेंकना नहीं, इस टेक्निक का यूज़ करके आप उसे रिपेयर कर सकते हो। और इसे चार्जिंग करने के लिए इस टाइप के जो TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल आता है इसी का ही यूज़ करना ताकि आपकी बैटरी जो है अच्छे से प्रोटेक्ट रहे और ओवर चार्ज ना हो। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।